नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज का मुद्दा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल। कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटों के लिए मतदान 10 मई को होंगे और मतगणना 13 मई को होगी, यानी 13 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और पता चल जाएगा कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक का चुनाव सेमीफाइनल की तरह है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। हालांकि भाजपा की वर्तमान सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य कर्नाटक है जो संजीवनी है, उसका मजबूत गढ़ माना जाता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी हालत में जीतना चाहती है। पिछले दिनों टिकट बंटवारे के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया और कांग्रेस और जेडीएस का दामन थाम लिया। नेताओं का लगातार बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होना ये भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, MLC और विधायक शामिल हैं, जिसमें जगदीश सट्टार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बड़ा नाम है, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है। कर्नाटक चुनाव 2018 के नतीजों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 104 सीट मिली थी, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 37 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। बहुमत के लिए 113 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी 2018 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अतः नतीजे जो है कि त्रिशंकु आए। हालांकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसके बावजूद BS येदियुरप्पा को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी थी, किंतु जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें वो नाकाम हुए और भाजपा की सरकार गिर गई। फिर जो है कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई और कुमार स्वामी उस सरकार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई, 14 महीने के बाद ये सरकार गिर गई और भाजपा ने पुनः सरकार बनाई और BS येदियुरप्पा दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया। कर्नाटक में प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें तो मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच ही प्रमुख चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है। इन पार्टियों के अलावा अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM जैसी पार्टियां भी अपनी किस्मत कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आजमा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जातीय समीकरणों की तो कर्नाटक में लिंगायत और पोक्कालिंगा समुदाय काफ़ी बड़ी संख्या में है और इनकी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है और जिस तरफ इनका वोट जाता है उसको जीतने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। कर्नाटक में लिंगायत, बोक्कालिंगा, OBC, SC ST और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है जिसकी मुख्य भूमिका चुनावों में होती है, इसलिए सभी राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं समुदायों को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम अगर बात करें कर्नाटक में लिंगायत, बोक्कालिंगा और मुस्लिम समुदाय की, इनका रुझान कौन सी पार्टी के तरफ कितना परसेंट है, लगभग हम उस समीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम लिंगायत की बात करें तो लगभग हमारे इस ऑनलाइन ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को लिंगायत का 58% वोट मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 30%, जेडीएस को 10% और अन्य के खाते में 2% लिंगायत वोटर जा सकते हैं। वहीं अगर हम बोक्कालिंगा की बात करें तो 16% बोक्कालिंगा बीजेपी के साथ, 21% कांग्रेस के साथ, 62% जेडीएस के साथ और अदर्स के साथ 1% जा सकते हैं। वहीं अगर हम मुस्लिम मतदाताओं के रुझान की बात करें तो बीजेपी के साथ 4% जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ 68%, जेडीएस के साथ 22% और अदर्स के साथ 6% जा सकते हैं। यानी यहाँ मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा जो है कि कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वहीं बोक्कालिंगा सबसे ज़्यादा जेडीएस के साथ और लिंगायत का सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में। लिए अगर हम बात कर लें प्रमुख चुनावी मुद्दे की तो मुख्य चुनावी मुद्दा कौन कौन सा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, नौकरियों में जो भ्रष्टाचार, 40% कमीशन का जो है कि मुद्दा है। इसके अलावा परिवारवाद का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, बेरोजगारी जो आपकी बात है, उसके अलावा अमूल और नंदिनी जो दूध है उससे रिलेटेड अमूल और नंदिनी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जो है कि यहाँ पे गरमाया हुआ है इस चुनाव में। किसानों के मुद्दे हैं महंगाई का, गैस, डीजल, पेट्रोल इत्यादि के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो मुद्दे हैं। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी है और अस्पष्ट जनादेश का, यानी यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि जिस भी पार्टी को हम लोग वोट करें उसको अस्पष्ट जनादेश मिले, यानी किसी भी पार्टी की जीत हो तो पूर्ण बहुमत की सरकार बने ताकि स्टेबल गवर्नमेंट चल सके।
ओपिनियन पोल में हमने कुछ सवाल किए, उन सवालों के जवाब निकलकर सामने क्या है उसके अगर हम बात करें तो पहला सवाल था क्या कर्नाटक सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं। यहाँ पर देखिए हाँ कहने वाले 35% है, नहीं कहने वाले 48% है, कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले 17% है। यानी कर्नाटक के सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है ऐसा कहने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी 48% लोग कर्नाटक सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा अगला सवाल कर्नाटक के सरकार को लेकर था, कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बन सकती है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अन्य का ऑप्शन हमने दिया था, यानी बीजेपी के पक्ष में 31% लोगों ने वोट किया, कांग्रेस के पक्ष में 38% लोगों ने, जेडीएस के पक्ष में 18% लोगों ने और अन्य के पक्ष में 13% लोगों ने वोट किया। यानी इस पोल में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा यानी 38% लोगों ने वोट किया, यानी अगली बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन सकती है ऐसा कहने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी को कितने परसेंट वोट मिलने की संभावना है। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 36-40% वोट जा सकता है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 42-44% वोट जाने की संभावना है। वहीं हम जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के खाते में 14-16% वोट जा सकते हैं, अदर्स के खाते में 3-6% वोट जा सकता है। यानी वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिलने की इस चुनाव में संभावनाएँ हैं। अब हम अगर बात करें सीटों की, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो 224 में जिसको भी 113 सीटें मिलेंगे वो पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार कर्नाटक में बना लेगी। तो देखिए सीटों के हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी के खाते में 80-85 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 120-125 सीट जा सकती है, जेडीएस के खाते में 18-25 सीट जाने की संभावना है, वहीं अन्य के खाते में 1-4 सीटें जा सकती है। यानी यहाँ पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बना सकती है।